Now 1.17. Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux to the surface of the box is 8×10³ Newton meter square per coulomb. Question A. What is the net charge inside the box? B. If the net outward flux through the surface of the box were zero, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? Now see, electric flux हमें दिया हुआ है 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. एप्सिलॉन जीरो वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको दी होगी. सो उसकी वैल्यू है 8.854×10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. एंड वी वॉन्ट टू फाइंड चार्ज क्यू इन साइड द बॉक्स. सो एज पर गॉसिस लॉ वी नो फ्लक्स फाइव दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो. So we can write Q, the net charge enclosed by the Gaussian surface, that is 5 epsilon 0. तो 5 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, epsilon 0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 7.1×10⁻¹ कूलम. अब क्वेश्चन बी. इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर जीरो. अब देखो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर फ्लक्स जीरो है तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस वो आप कह सकते हो कि जीरो है. लेकिन यहां क्या पूछा है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स. ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते. सिग्मा क्यू जीरो है, अंदर चार्ज हो सकते हैं, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर सेम हो गए तो एल्जेब्रिक समेशन जीरो होगा कि नहीं. तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि वो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है. हो भी सकता है, लेकिन एल्जेब्रिक समेशन दैट कैन कम टू जीरो. क्लियर? तो ये उसका आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों.